नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं अमरीशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी समाचार आ रहा है लखनऊ से कि सारे अमरीशक भाई जो भी बाराबंकी और लखनऊ से संबंधित हैं, जिनको बुलाया गया है आज के संवाद कार्यक्रम में, वो पहुँच चुके हैं। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आज राजीव कुमार साहू जी को भेजा गया है, वो अपनी बात को रखेंगे अनुदेशक नियुक्तिकरण से संबंधित। लेकिन छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अभी अभी ये समाचार चाहिए सब तक पहुँच जाएगा। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का बेसिक शिक्षा। चंद अशआर में आप सबको नजर करना चाहूंगा। खुदा तू मिले कहीं तो तेरा हाल पूछूं, खुदा तू मिले कहीं तो तेरा हाल पूछूं, जो जहन में है मेरे वो सवाल पूछूं। मैं समंदर था तो मैं प्यासा ही रहा, मैं समंदर था तो मैं प्यासा ही रहा, तू तो दरिया था तू क्यों है बेहाल पूछूं। मालूम था हमें कि वक्त टिकता नहीं कभी, मालूम था हमें कि वक्त टिकता नहीं कभी, घड़ी पर लगे क्यों बेवजह ये इल्ज़ाम पूछूं। चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं यहाँ लोग, चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं यहाँ लोग, जिससे मिले सुबह क्या उसी से मिले शाम पूछूं। एक घर की तलाश में निकला हूँ मैं, एक घर की तलाश में निकला हूँ, मकां से क्या होगा मेरे इस सफ़र का अंजाम पूछूं। पूछते हैं अमरीशक आज की सरकारों से, वर्तमान सरकारों से, पूर्व सरकारों से, कि उनको आज तक उनका हक क्यों नहीं दिया गया है, राष्ट्र निर्माताओं के साथ साथ ये नाइंसाफी क्यों की गई, न्याय के मंदिर के साथ ये नाइंसाफी आज तक क्यों की गई, उनकी बात को क्यों पूरा नहीं किया गया, क्या इनका दोष था, क्या इनका जुल्म था। साथियों, मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक आज इस समाचार की ओर ले चलता हूं, जो कि अभी अभी लखनऊ से आ रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज बुलाया गया है अनुदेशकों को, जो कि बाराबंकी और लखनऊ से संबंधित कुछ चंद मुट्ठी भर अनुदेशक हैं। साथियों, और यहाँ पर आपको बताएंगे, ये सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर ट्वीट किया गया है @MyYogiAdityanathji। कल 29 दिसंबर को जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और अन्वेषकों से संवाद किया जाएगा, आप समय सर पधारें। यहाँ पर कैनविस टाइम्स ने छापा है, मुख्यमंत्री के अनुदेशक जनसंवाद कार्यक्रम से जगी अनुदेशकों में अच्छे दिन की आस। देखते हैं साथियों, ये आज हमारे अच्छे दिन कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। आज जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे ज़िले के 180 अनुदेशक। ये बाराबंकी का समाचार है साथियों, जहां से 180 अनुदेशकों को बुलाया गया है। लगभग 450 अनुदेशकों को लखनऊ से बुलाया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं 400-500 अनुदेशक ही वहां पर मौजूद होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुदेशकों की तरफ से। ये बाराबंकी से समाचार है साथियों। विशेष शिक्षा परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों के अच्छे दिन आएंगे या फिर बुरे दिन के साथ ही उन्हें गुजारा करना पड़ेगा, ये बात आज स्पष्ट होने की संभावना है। लखनऊ में आयोजित होने वाली रसोइयों एवं अनुदेशकों के जनसंवाद कार्यक्रम में ज़िले के 180 अनुदेशक शामिल होंगे, जो कि बाराबंकी से होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनुदेशकों से संवाद करने के लिए ज़िले के अनुदेशकों को आमंत्रित किया है। जनसंवाद कार्यक्रम में अनुदेशकों के भविष्य पर चर्चा होने की भी बात कही गई है और होने की संभावना भी है। मुख्यमंत्री का निर्णय अनुदेशकों का भविष्य तय करेगा। जब से जनसंवाद कार्यक्रम की जानकारी अनुदेशकों को हुई है, तभी से अनुदेशक सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अनुदेशकों को पूरी उम्मीद है कि
उनके साथ सरकार अच्छा ही करने जा रही है, क्योंकि विगत 5 वर्षों से वो लगातार अपनी मानदेय सहित नियुक्तिकरण की गुहार सरकार से लगातार लगा रहे हैं। अब जब प्रदेश के मुखिया ने अंधेश्वर को अपने दरबार में बुलाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि अंधेश्वर की उम्मीद बढ़ सी गई है कि शायद योगी महाराज अंधेश्वरों के अच्छे दिन ले आए। चुनावी वर्ष में अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो ये इन अंधेश्वरों के लिए अच्छे दिन वाली बात होगी। जैसे ही होगा, वर्ष 2013 से लेकर अब तक ये अंधेश्वर मानदेय में गुजारा वसारा कर रहे हैं। प्रदेश की अखिलेश सरकार से लेकर योगी सरकार तक इन्हें केवल निराश ही कर रही थी और कर रही है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि प्रदेश के मुखिया इन अंधेश्वरों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। अंधेश्वर संघ के मीडिया प्रभारी योगेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि विगत 9 वर्षों से जिस तरह से हम अंधेश्वर काल मानदेय में शिक्षण जैसा महान कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे लिए नहीं, ये शिक्षा विभाग के लिए कि इतने अल्प मानदेय में ये महान कार्य इनसे करवाया जा रहा है। एक नियमित शिक्षक की तरह पूरे समय में विद्यालय में रहकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम हम लोग पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने हमें हमारी इस पीड़ा को नहीं समझा और हमें हमारा नहीं समझने का प्रयास किया। आज जब प्रदेश के मुखिया ने हम पीड़ित अंधों की सुध ली है तो हम अंधेश्वरों में एक उम्मीद की किरण जगी है कि शायद हम अंधेश्वरों के अच्छे दिन आ ही जाएं। साथियों, जैसा कि आपको बताया जाएगा कि अंशकालिक तो कहने के लिए सिर्फ इनके आगे लगा दिया है, लेकिन सही मायने में ये पूर्णकालिक अंधेश्वर हैं। इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा झूठ शिक्षा विभाग में लगातार 9 वर्षों से चल रहा है कि इनसे कार्य पूर्ण कार्य किया जाता है। सुबह से शाम तक जितने भी समय विद्यालय रहता है उसमें पूरी तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन इनको अंशकालिक कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है शिक्षा विभाग के लिए। साथियों, यहाँ पर हम परिचय पत्र दिखाना चाहेंगे। ये अंधेश्वर आई हैं और इनको बुलाया गया है। यहाँ पर एक प्रेरणा और देना चाहें इस समाचार के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हो लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 1.5 साल के आंदोलन के बाद मिली है राहत। 69,000 जो सहायक भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण को लेकर संघर्ष जारी था साथियों, और इनको जीत मिली है। अब जाकर सरकार ने OBC एवं SC/ST के जो पद खाली रह गए थे उनको भरने के लिए कवायद शुरू करने का वादा किया है। साथियों, कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंधेश्वर भाई बहनों को इनके संघर्ष से सीख लेना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, कहते हैं कि कभी भी बिन बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन भोलानाथ पांडे जी कुछ आरोप लगा रहे हैं। कल 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में विरोध के डर से संगठन के पदाधिकारी को बलपूर्वक रोकने की साजिश हो रही है। लखनऊ और बाराबंकी के जो भी साथी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मानदेय में अल्प वृद्धि का शालीनतापूर्वक अपना विरोध अवश्य दर्ज करें और सिर्फ नियमितीकरण लेकर आए, ऐसा उन्होंने कहा है और अपील की है अंधेश्वरों से, जो कि लखनऊ और बाराबंकी से संबंधित हैं। साथ ही यहाँ पर बताना चाहेंगे शिव कुमार मिश्रा जी, जो कि संवाददाता हैं स्पेशल कवरेज न्यूज की, उन्होंने अपील की है और कहा है जब तक युवाओं की बात को नहीं माना जाएगा हम अनवरत इसी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से अंधेश्वर शिक्षा मित्र BPED धारक इन सभी की बात को उठाते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, जो कि हम सभी संघर्षकर्ष युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।